हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप सभी का फिर ऐसे चैनल की कौन वीडियो में। आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, आज हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि मैं फ्लैश के लिए कौन सा डॉग फूड ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ, दूसरा कि क्यों करता हूँ, और थर्ड कि अगर आपको एक ब्रांड से दूसरे पर शिफ्ट होना है तो आपको कैसे आराम से शिफ्ट करना चाहिए कि आपके डॉग की हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि फ्लैश कौन सा डॉग फूड ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, आप सभी का कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेरी थी कि आप इतना बढ़िया एक्टिव है फ्लैश, इतना बढ़िया हाईली ट्रेंड है, उसका एनर्जी लेवल हाई है, तो आखिर वो कौन सा फूड ब्रांड इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, ये है फ्लैश का फूड ब्रांड जो फ्लैश इस्तेमाल करता है, NND, और ये आप देख सकते हैं कि ये 15 kg का पैक है जो एडल्ट डॉग के लिए, क्योंकि अब फ्लैश 1 ईयर टच होने वाला है तो फ्लैश को मैं यही इस्तेमाल करवाता हूँ, और फ्लैश की एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है इससे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैं NND ही क्यों इस्तेमाल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपना पहला पप्पी देने जाएंगे तो आपके मन में सबसे पहली क्वेरी ये होगी कि वो खाएगा क्या, वो कौन सा डॉग फूड खाएगा, या वो कौन सा डॉग फूड खा रहा है अभी, या जब मैं उसे घर लेकर आऊँ तो क्या मैं उसे दूसरा डॉग फूड दे सकता हूँ। तो इन सब का सबसे आसान जवाब है कि आप जब भी अपना पप्पी देने जाएं, पहला पप्पी, तो आप अपने ब्रीडर से पूछिए कि वो अभी जब वो बहुत छोटा था, कुछ ही डेज का था, 25-30 डेज का, तब से वो अभी जब आप लेने जा रहे हैं वो कौन से डाइट पे, कौन से फीड पे है। तो जब मैं फ्लैश को लेने गया था तो मैंने फ्लैश के ब्रीडर से पूछा था कि फ्लैश बचपन से कौन सी फीड ले रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि फ्लैश अभी ये फीड पर है, रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर, जो कि बेस्ट स्टार्टर फीड है। आप किसी भी डॉग शॉप में जाएंगे आपको यही वाला डॉग फूड कहेंगे लेने के लिए, क्योंकि ये जो स्टार्टर है रॉयल कैनिन के थ्रू है और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है ग्रोथ पे, पप्पी की डाइजेशन पे, वो बहुत छोटा रहता है, तो अगर आप घर पे ले आएँ और उसे दूसरा ब्रांड दें, स्विच कर दें, तो उसके डाइजेशन पे दिक्कत हो सकता है, आते टाइम वो इल हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि आपका पप्पी पहले से बीमार है, कमज़ोर है, वीक है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए आपको उसी ब्रांड पे स्टिक करना चाहिए। अगर नहीं रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर दे रहे हैं, वो कोई और ही दे रहे हैं, तो आप भी कुछ टाइम तक उसे ही प्रीफर कीजिए। तो फ्लैश का पहला डॉग फूड चेंज जब मैंने किया था, जब फ्लैश कुछ मंथ्स का हो गया और मैंने उसे 2-3 बार ये मैक्सी स्टार्टर दिया और उसका ग्रोथ मुझे सही लगा, तो अब मुझे लगा कि फ्लैश को एक चेंज की ज़रूरत है, और रिसर्च करने के बाद मैंने फ्लैश के लिए ये वाला इस्तेमाल किया था, और ये है स्पेशलाइज्ड फॉर लैब्राडोर्स रॉयल कैनिन। तो अब मैं आपको दोनों के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप पुराने डाइट वीडियो देखेंगे चैनल पे, तो आप देखेंगे कि जब फ्लैश पप्पी है तो वो ये डाइट ले रहा है, और जो अगला वीडियो है जिसमें फ्लैश थोड़ा बड़ा है 6 मंथ का, ये ले रहा है। तो मैंने फ्लैश को 8 मंथ्स के एज तक यही दोनों ब्रांड्स दिए थे, रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर, और उसके बाद मैंने स्विच किया था लैब्राडोर स्पेशलाइज्ड को। आप देख ही सकते हैं कि मैंने रॉयल कैनिन पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया है, तो लैब्राडोर स्पेशलाइज्ड, और 8 मंथ की एज तक फ्लैश के लिए मैं इतने सारे रॉयल कैनिन ले चुका था कि फ्लैश की ग्रोथ बहुत बढ़िया थी। फ्लैश जब भी जाता था अपने वेट के पास, अपने फ्रेंड से मिलने, सोशलाइज होने के बाद, तो सब कहते थे कि इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है, और ये सब रॉयल कैनिन की वजह से हुआ। तो क्यों मुझे NND पे शिफ्ट करना पड़ा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी ब्रांड का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही डिफेम कर रहा हूँ। तो रॉयल कैनिन के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, तो जो फ्लैश को मैंने रॉयल कैनिन 8 मंथ्स की एज तक दिया, और वो भी स्पेशलाइज लैब्राडोर वाला, तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड था, इसकी ग्रोथ बढ़िया थी, डेवलपमेंट बढ़िया थी, लेकिन फ्लैश 8 मंथ का हो गया था और इसका बॉडी और बढ़िया ग्रोथ चाह रहा था, एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ रही थी, फ्लैश की एनर्जी बहुत बढ़ रही थी, डिमांड्स ज़्यादा थी बॉडी की, तो इससे में मैंने सोचा कि कोई ऐसा ब्रांड भी है जो रॉयल कैनिन से भी बेटर हो, जिसकी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा बढ़िया हो, ज़्यादा चिकन क्वांटिटी हो, ज़्यादा सप्लीमेंट्स बढ़िया हो, और उससे फ्लैश की एनर्जी लेवल कोप अप हो सके। ऐसे में मैं रिसर्च करते टाइम NND के बारे में देखा, और मुझे लगा कि क्यों ना मैं NND के बारे में कुछ रिसर्च करूं, और फिर मैंने NND पप्पी लिया था। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि दोनों जो ब्रांड है, लैब्राडोर स्पेशलाइज्ड रॉयल कैनिन और NND पप्पी, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्यों मैंने इसे डिस करके इसे प्रेफर किया। तो अगर आप इंग्रेडिएंट सेक्शन पर जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इंग्रेडिएंट के बारे में, तो आपको बेसिक डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ जूम करके देखें इसके इंग्रेडिएंट्स में, तो आपको राइस, मेज, ग्लूटेन, व्हीट फ्लावर, इन सब के बारे में पता लगेगा, और इसमें चिकन का जो सोर्स है वो बहुत ही कम है, और फिश ऑयल लिखा हुआ है और वेजिटेबल ऑयल, और अगर आप इसमें DHA ये सब ढूंढें तो आपको शायद ही मिले, और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप इसकी तुलना
एनएनडी के इंग्रेडिएंट से करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको इसमें पता रहेगा कि इसमें पी स्टार्च, इसमें चिकन, थ्री चिकन है, और इसमें ओमेगा ऑयल मेंशन है, स्पेशली डीएचए, कॉन्ड्रोइटिन जो कि ग्रोथ के लिए बढ़िया है, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है, और इसमें जो एग भी है, और इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, स्पिनच भी है, पम्पकिन भी है, ब्लूबेरीज भी हैं, और बहुत सारे ऐसे विटामिन भी हैं जो फ्लैश की हेयर ग्रोथ, डाइजेशन, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, इसकी स्टेमिना, इसकी बोन डेवलपमेंट, बोन डेंसिटी सबके लिए बढ़िया है। तो ऐसे में रिसर्च के दौरान मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे रॉयल कैन से हटना चाहिए, और फाइनली मैं एनएनडी पर शिफ्ट हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि मैं एक ही बार में शिफ्ट हो गया, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे रॉयल कैनन को आप देख सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद मैं एनएनडी पर आया, और एनएनडी में भी मैंने एक, दो और तीन बार जब मैंने छोटे छोटे पैकेट्स लेके ट्राई किया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं एनएनडी से सेटिस्फाइड हूँ, और इसके पप्पी वर्जन से सेटिस्फाइड था। पहले मैंने छोटे छोटे पैकेट्स लेके ट्राई किया कि फ्लैश की बॉडी पे कहीं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं इसके पूप पे, कहीं इसके डाइजेशन पे कोई साइड इफेक्ट, कहीं इसकी एनर्जी लेवल तो कम नहीं हो रही है, कि अगर मैं फूड चेंज कर रहा हूँ और उसके रिवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे मुझे कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिला, और पॉजिटिव अप्रोच था एनएनडी का फ्लैश के लिए इसकी, और सब कुछ नहीं कि अब फ्लैश की एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी हेयर ज़्यादा साइन कर रही है, आखिर आपने कौन सा फूड ब्रांड शिफ्ट किया है। तो मैं सबको कह रहा था नहीं, मैं रॉयल कैनिन नहीं दे रहा हूँ, और मैं बाद में मैंने बताना शुरू किया कि नहीं, अब फ्लैश के लिए मैं एनएनडी पर शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने लगा कि रॉयल कैनिन से भी बढ़िया कोई ब्रांड है, क्योंकि रॉयल कैनिन का एक ब्रांड नेम है, इसकी डाइजेशन बढ़िया है, पप्पी इसके ग्रोथ बढ़िया है। लेकिन अगर आप एक ग्रोइंग पीरियड वाले एक पप्पी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि 14 मंथ तक वो पप्पी रहता है डॉग, तो ग्रोइंग पीरियड में अगर आप देखेंगे, तो इंग्रेडिएंट चेक करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ब्रांड नेम से ज़्यादा मुझे इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रॉयल कैनिन ब्रांड नेम पे तो फोकस कर रहा है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी जहाँ मैं रहता हूँ इस एरिया में नहीं है, और मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ता था रॉयल कैनिन लेने के लिए। तो ऐसे में मुझे एनएनडी बढ़िया लगता है कि इसकी इंग्रेडिएंट, इसका रिजल्ट और इसकी अवेलेबिलिटी तीनों ही बढ़िया है। तो हर एस्पेक्ट में मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे तो रॉयल कैनिन से ज़्यादा बढ़िया एनएनडी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे पप्पी लेने के एनएनडी लेने के बाद मैंने कैसे शिफ्ट किया, बड़े एक पैकेट पर जब मैंने तीन एनएनडी ट्राई कर लिए थे, फिर मैंने लिया ये। अब फ्लैश नियरली 1 ईयर का हो गया था, तब मैंने जाके ये सबसे बड़ा पैकेट जो एनएनडी का है मार्केट में, 15 kg अडल्ट मीडियम और मैक्सी वाला, जो कि बेस्ट प्रोडक्ट है एनएनडी का, वो मैंने लिया था। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आप जाके देखें तो इसमें आपको मैसिव चेंज मिलेगा किसी भी डॉग फूड ब्रांड से। आप नाम लीजिए और कोई भी डॉग फूड ब्रांड इसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इसके बहुत रिसर्च के बाद देखा तो उसमें ओमेगा लेवल 6 जो है, ओमेगा 3 जो है, वो बहुत ही ज़्यादा किसी भी ब्रांड से, DHA, कॉन्ड्रोइटिन, कैल्शियम, नाम लीजिए सप्लीमेंट्स का और आपको इसमें मिलता जाएगा। और इसमें पी स्टार्च, पोमग्रेनेट, हर वेजिटेबल जो आपको अपने पप्पी को देना चाहिए, सेब हो या चाहे ऑरेंज हो या चाहे आप कैल्शियम की बात कीजिए, मल्टी विटामिन की बात, विटामिन ए डी ई जो भी आप कहेंगे सब इसमें। और जो बेस्ट है वो है ये। अब मैं इसलिए इस पर शिफ्ट हो गया, इतने ट्राई करने के बाद फाइनली मैं अब आराम से कह सकता हूँ कि ये जो है फ्लैश को बहुत बढ़िया रखता है, उसकी एनर्जी लेवल, उसकी डाइट और उसका ओवर बॉडी ग्रोथ सब इससे बढ़िया रहता है। ये तो आपने देख लिया कि मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन कैसे इजी स्टेप्स में आपको शिफ्ट करना चाहिए कि आपके, जैसे आप फ्लैश को देखिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ चेंज करने के बाद भी। तीन बार मैंने चेंज किया, सबसे पहले मैंने चेंज किया मैसी स्टार्टर से लैबराडोर स्पेशलाइज, और उसके बाद फिर एनएनडी पे। इतने चेंज करने के बाद भी फ्लैश की ग्रोथ पे कोई असर नहीं आया। तो अगर आप भी क्यूरियस है ये जानने के लिए कि मैंने कैसे किया, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस ब्रांड पे शिफ्ट करना है तो कैसे करना चाहिए इजी स्टेप्स में, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप पार्टिकुलर कोई एक ब्रांड ले रहे हैं और उसका आप टीबल दे रहे हैं अपने डॉग को, एक ग्लास में हो कीजिए 200 ग्राम दे रहे हैं, तो उसका आप 75% लीजिए और इसका 25% लीजिए, और दोनों को मिक्स करके अपने डॉग को दीजिए। फिर एक वीक से डेढ़ वीक ऐसे करने के बाद अगले वीक में आप क्या कीजिए कि इसका आप 50% और इसका 50% जो आप दे रहे हैं दोनों को मिक्स करके दीजिए। तो आप देखेंगे कि अभी भी उसके पूप में या उसके डाइस में कुछ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है वो, लेकिन कुछ कुछ दिक्कत आ रही है। फिर एक वीक ये करने के बाद आप अगले वीक में इसको डोमिनेंट बनाइए, इसका 75% लीजिए और इसका 25 लीजिए, और ऐसे इस ट्रांजिशन को आप 2-3 हफ्ते और कीजिए, जिसमें आप किसी दूसरे ब्रांड पे जिस पे आप स्विच कर रहे हैं
उसका परसेंटेज ज्यादा रख रहे हैं और जिस पे आप हट रहे हैं एग्जिट कर रहे हैं उसका थोड़ा कम रख रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि आप देखेंगे कि अब उसका डाइजेशन जो है वो बढ़िया हो रहा है, उसके आप ग्रोथ भी देखेंगे चेंज होते हुए, और फिर जब आप कंप्लीटली 100% शिफ्ट हो जाएंगे और उसको कुछ वीक्स तक मेंटेन रखेंगे और इस पूरे ट्रांजिशन में अगर 1 से 1.5 महीना इन्वेस्ट करते हैं टाइम, तो देखेंगे कि आपका पपी, आपका जो डॉग है वो इससे पूरा फेवर हो चुका है, बढ़िया उसे लग रहा है, ग्रोथ पूरा हो रहा है और इसके सप्लीमेंट्स अपना काम दिखा रहे हैं उसकी एनर्जी पर, उसकी ग्रोथ पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर, और ऐसे में आपका ट्रांजिशन बहुत ही ईजी स्टेप्स में पूरा हो जाएगा। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं और फ्लैश मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।